हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ। आज हम इसको लाइव ही अप्लाई कर कर दिखाएंगे, देखते हैं कि जो हमारे को लिमिट है कितने की मिलेगी। अबाउट सेक्शन पे चलकर इसका थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। आप देख सकते हैं 10,000 से लेके 5 लाख तक का हमारे को यहाँ पे लोन प्रोवाइड होता है। और जो हमारे पास हमारे इंडियन सिटीजन और हमारी जो एज है वो 18 प्लस होने चाहिए, और ये काफ़ी सिटी में वर्क करता है। ये लिखा हुआ आ रहा है लिमिटेड पीरियड ऑफ़र विन इन सैमसंग गलेक्सी जेड फ्लिप 4 मोबाइल फ़ोन, जो इसके ऊपर होम क्रेडिट से अगर आप लोन लोगे तो तुम्हारे को यहाँ से कैशबैक भी मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप देख सकते हैं हमारी एज 19 प्लस से लेके 70 ईयर की होनी चाहिए, और हमारे पास पैन कार्ड, वोटर आईडी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट, जो हमारे अकाउंट में अमाउंट आएगा वो 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाएगा। जो अमाउंट होगा वो 100% डिजिटल प्रोसेस होगा। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई कर कर दिखाते हैं। ये मैंने अपनी सेल्फी और पैन कार्ड डाल दिया, उसके बाद मैंने अपना नाम डाल दिया, उसके बाद हमने पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, मेल, मैरिड, जो भी डाल के मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें अपना सारा कुछ चेक करना है कि हमारे यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत तो नहीं है। मेरे सारे ऑप्शन सही है, मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं आगे का इंटरफेस क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन KYC, क्लिक फोटो फॉर एड्रेस प्रूफ। अब मैं ऑनलाइन ही KYC करूँगा। जैसे ही मैं ऑनलाइन KYC पे क्लिक करता हूँ, टिक पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे का इंटरफेस क्या आएगा। अब 1 से 2 मिनट हमारे को वेट करना पड़ेगा। डिजिटल लॉकर पे ये ले गया, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ये मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। OTP मेरा आ चुका है। ये मैंने OTP यहाँ पे सबमिट कर दिया और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, आगे का इंटरफेस देखते हैं। अब मैं आपको इसमें ऐसा ऑप्शन बताऊँगा कि जो आपका लोन है यहाँ पे 100% अप्रूवल होगा। अलाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे अलाउ पे क्लिक करते हैं, आगे का इंटरफेस देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना तो ये आपको समझ आएगा कि जो यहाँ से लोन है, आपको जो यहाँ से लोन कैसे अप्रूवल हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है KYC प्रोसेस कंप्लीट। जो KYC का ऑप्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पे यहाँ पे पिन नंबर मांग रहा है, मैंने अपना पिन नंबर डाल दिया। हाउस नंबर, विशाल जो मेरी कॉलोनी है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद लिखा है प्रोवाइड 5 व्यूअर डिटेल, स्ट्रीट नेम। फ्लोवर नंबर भी मैंने डाल दिया। अब मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने फिर से इंटरफेस आया। उसके बाद में फिर से कन्फर्म करता हूँ। अब देखते हैं आगे का इंटरफेस क्या आएगा। वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको समझ आएगा कि हमारे को यहाँ से लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यहाँ लिखा रहा है वीयर प्रीपेड योर बेस्ट ऑफर। अब डू यू हैव एक्टिवेट बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट एक्टिवेट है, यस पे क्लिक करना है। डू यू हैव कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हैव ए मिस एनी EMI, हमारी कोई भी EMI पेंडिंग नहीं है, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। डिड यू टेक मोनोटोरियम द पेस्ट, नो पे क्लिक करता हूँ। आई डोंट नो, इस पे कर देना। डो नॉट सेटअप द ऑटो पेमेंट ऑफ EMI ऑफ लोन, मैं नेवर पे क्लिक कर देता हूँ। आगे देखते हैं डू यू प्रोसेस क्रेडिट कार्ड, हैव ए लोन रनिंग, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद चेक माई ऑफर पे जाके देखते हैं कि अब लास्ट में जाके देखते हैं कि हमारे को जो ऑफर है वो यहाँ से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब 1 से 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना है। इसमें आगे मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। अगर आपको भी कभी भी होम क्रेडिट से अगर आप लोन को अप्लाई करते हैं तो जो आपका लोन है यहाँ पे आसानी से कैसे अप्रूवल होगा, और आपको ये नहीं पता कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है या कैसे करना है, हमें अपनी मंथली इनकम कितनी डालनी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। और मेरे चैनल पर एकदम रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो मैंने आपके सामने ही लाइव अप्लाई करके दिखाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर सॉरी, अब ये डियर कस्टमर वी रिजेक्ट इन्फॉर्म द यू अप्लीकेशन डू इस मीट यू रिक्वायरमेंट, यू कैन
रीअप्लाई आफ्टर 6 दिसंबर 2022, क्योंकि मुझे यहाँ से लोन इस करके नहीं लिया, मैंने काफ़ी लोन अप्लीकेशन से आपको लोन लेकर दिखा रखा है, इस वजह से मुझे यहाँ से लोन नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं, टू इम्प्रूव यूअर चांस जीटिंग लोन यू फ्यूचर स्टे अपडेट विद यूअर क्रेडिट स्कोर, जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो भी थोड़ा सा लो है, इस वजह से मुझे यहाँ से लोन नहीं मिल पाया, और फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे यहाँ से लोन मिल पाए। अगर आपको भी यहाँ से लोन को अप्लाई करना है, अगर आपका सिबिल 700 प्लस है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ से लोन है जो वो लाइव ही अप्लाई कर कर दिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा सारी एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो, ऐसा नहीं है। मेरे को कम से कम काफ़ी एप्लीकेशन में लोन मिला है, ये मैंने आपको लाइव प्रूफ अप्लाई कर कर दिखा दिया। अगर आपको जरूरत हो तो आप होम क्रेडिट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।